समुद्रपुर तालुका में वर्धा और चंद्रपुर जिलों की सीमा पर उसे गांव कोरा में लाल लाला परियोजना के प्राकृतिक परिवेश में भरने वाली धूल यात्रा अभी भी नियमित रूप से चल रही है। आज मार्गशीर्ष माह के आखिरी सोमवार को हनुमान मंदिर क्षेत्र में 85 वर्षों से चली आ रही यात्रा में हजारों श्रद्धालु की हनुमान जी के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी थी। इस यात्रा में भक्तों ने हनुमंत को आटे के पान की और मीठे प्रसाद का भोग लगाया। विदर्भ के विभिन्न जिलों से आए हजारों भक्त परिवारों ने मन्नतें मांगते हुए मन्नत को पूरा किया। इस यात्रा के अवसर पर आयोजन समिति द्वारा विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वर्धा और चंद्रपुर जिले की सीमा पर स्थित उसी गांव का हनुमान मंदिर विदर्भ में प्रसिद्ध माना जाता है। 85 वर्षों से चल रहे इस कृष्णापेट यात्रा के दौरान हजारों भक्तों ने हनुमान के दर्शन किए। मंदिर क्षेत्र में हजारों भक्त पानकी का खाना बना रहे थे और विभिन्न दुकानें भी थी। इस यात्रा में इस वक्त ग्रामीण जीवन का सारा आनंद देखा गया। मी हनुमान कृष्णापेट देवस्थान कमिटीचा 32 वर्षापासून अध्यक्ष आहो, इथं 33 वर्ष मला चालू आहे। या ठिकाणी आम्ही आमचे सहकारी कमिटीचे लोक आणि गावातील लोक, पत्रकार लोक, पोलीस लोक, अन्य लोक आम्हाला सहकार्य देऊन आम्ही 3 दिवसाची यात्रा परिपूर्ण पार पाडण्याचे प्रयत्न करत आहोत। ही यात्रा आमची सफल होण्यास हनुमंताचे आमच्यावर आशीर्वाद असल्यामुळे आम्ही यात्रा पार पाडत आहोत। ही यात्रा 78 वर्षापासून सुरू आहे, त्यासाठी आम्ही आमचे कमिटीचे लोक प्रयत्न करते आणि यात्रेचं स्वरूप दिवसेंदिवस खूप वाढून राहिलेलं आहे। त्यासाठी आम्हाला पोलीस लोकांची चांगलं सहकार्य मिळते, कार्यकर्त्यांचं सहकार्य मिळते आणि आम्ही चांगल्या पद्धतीनं वाढण्याचे प्रयत्न करत आहोत। या ठिकाणी नाटकं, झुले आणि बरसा लोकांचा परिसर येऊन ही यात्रेची शोभा वाढत आहे। इन बिस्ट न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोडकर की रिपोर्ट।